नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर क्लास 12 कि कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कक्षा 12वीं के बाद। आज मैं उन्हीं सारे सरकारी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो कक्षा 12वीं के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए बच्चों, मैं ज्यादातर जो है वो यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं वो ही बताऊंगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी होते हैं जो क्लास 12th के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी वो एक साल के अंदर, मतलब इस साल हुए या नहीं हुए या पिछले 5 साल से हो रहे हैं, 3 साल से नहीं हो रहे एग्जाम, उनका एक सेम पैटर्न नहीं रहता, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती उस एग्जाम के अंदर। इस साल कंडक्ट किया जाएगा, फिर 2 साल तक कंडक्ट ही नहीं किया जाएगा कोई भी। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में दिक्कतें हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वो रेगुलरली जो हर साल या साल में 2 बार जो है, जो कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो साल में 2 बार, जैसे एनडीए, वो कंडक्ट होते ही हैं, तो वो कंपलसरी होते हैं एक तरीके से। और कोविड में भी ये एग्जाम हुए थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं यूजुअली नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज आपको उन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। एनडीए की फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेशनल नेवल एकेडमी। देखिए, जो एनडीए का एग्जाम होता है वो हमारे डिफेंस फोर्सेस में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवल, जो नेवी है उनके अंदर जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। आप एनडीए को क्रैक करके आप इन किसी भी 3 डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं और आप जो है वो एक ऑफिसर लेवल रैंक के रिक्रूट होंगे, जैसे कैप्टन, मेजर या फिर कमांडर, और वही आगे चल के इन्हीं सभी 3 जो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके चीफ बनते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवल हो, या फिर एयर चीफ मार्शल या एयर फोर्स के जो सबसे बड़े हेड होते हैं, इन्हीं एग्जाम को क्रैक करके ही आप इन पोजीशंस पे जाते हैं। यह साल में 2 बार होता है, एक बार होता है दिसंबर के अंदर एंड एक बार होता है मई के अंदर। तो नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है या फिर अप्रैल या मई के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। यह कक्षा 12वीं के अंदर जो बच्चे हैं या जस्ट पास आउट हैं वो बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। सो बच्चों, जो मिनिमम एज है वो 16.5 से लेके 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो इनके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं, और अमूमन जो है वो लड़का लड़की दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। और आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से, किसी और बैकग्राउंड से, आपके पास मैथ्स होना जरूरी है, बिकॉज इस एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए इसके अंदर, और मैथ्स इंपॉर्टेंट है टू गिव दिस एग्जाम। और बाकी जो है इस एग्जाम को क्रैक करके आप SSB उसके लिए जाते हैं। SSB की फॉर्म होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो SSB की फुल फॉर्म होती है। फिर SSB एक तरीके से इंटरव्यू होता है, और आप इस इंटरव्यू को क्रैक करके जो है वो इन 3 से ना मेरिट लिस्ट निकलती है, और इनके बाद आप 3 सेनाओं में से किसी भी सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे SSC के एग्जाम्स है। SSC के जो एग्जाम्स है वो है CHSL, SSC स्टेनोग्राफ, SSC GD जिसको जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बोलते हैं, और SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ। देखिए, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 18 साल से 27 साल के बीच में इनकी एलिजिबिलिटी। क्लास 12th आप पास आउट होने चाहिए CHSL या इन किसी भी, जो मैंने आपको 5 एग्जाम्स बताए हैं, और मार्क्स जो है वो नहीं है, ओनली पास आउट होने चाहिए आप, और आपकी एज मैंने बताया आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन एग्जाम्स के लिए। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है SSC के एग्जाम्स के लिए। अब मैं थोड़ा इनके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताऊंगा कि अगर आप नौकरी लग जाते हैं या नौकरी चाह रहे हैं आप, तो आपको किस टाइप की नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले CHSL के लिए, CHSL की फॉर्म होती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। देखिए, जब आप CHSL का एग्जाम क्लियर कर देंगे तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इस टाइप की आपको जॉब्स मिलेंगी अगर आप CHSL का एग्जाम क्लियर कर देते हैं। सेकेंड आता है SSC स्टेनोग्राफ। SSC स्टेनोग्राफ जो है वो यूजली कोर्ट या लीगल मैटर या ऑफिसेज में जो टाइपिंग करते हैं, जिनको बोलते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग, जो बहुत जल्दी टाइपिंग करते हैं किसी चीज की, वो स्टेनो के थ्रू भर्ती होते हैं। तो उसके लिए SSC एग्जाम होते हैं SSC स्टेनोग्राफ, उसमें टाइपिंग का एग्जाम भी होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। SSC GD की फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GD। GD की फॉर्म होती है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो इसमें ज्यादातर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे CISF, BSF, ITBP, SSB, CRPF एक्सेट्रा, ये हमारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनके लिए जो कांस्टेबल की भर्ती होती है
वो एसएससी जीडी के थ्रू होती है। इसमें भी हर साल काफी वैकेंसीज निकलती हैं, बिकॉज हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑल ओवर इंडिया तैनात है। सो आपको सब इंस्पेक्टर के लिए अलग भर्ती होती है इसमें, और जीडी के लिए अलग। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और जीडी के लिए आपको क्लास 12th पास आउट होना जरूरी है। तो मैं जितनी भी आपको एग्जाम्स बता रहा हूँ बच्चों, वो क्लास 12th के बेसिस पे बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लास 12th, आइदर पासिंग और पासड आउट, या तो आप जो है वो उसमें अपेयरिंग है इस वक्त, या फिर आपने वह क्लास जो है कक्षा 12वीं वो पास कर चुके हो। देन एसएससी एमटीएस, एमटीएस की फॉर्म होती है मल्टी टास्क स्टाफ। तो मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है एक तरीके से एसएससी की फॉर्म। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग टाइप के आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ती है, जैसे ड्राइवर, कुक, लॉन्ड्री पर्सन, गार्डनर, प्लम्बर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो रोल्स हैं आपको, बिकॉज ये थोड़े से लोअर ग्रेड रोल्स माने जाते हैं इंडिया में। वैसे तो कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इंडिया में ये थोड़े लोअर ग्रेड माने जाते हैं। तो एसएससी के थ्रू आपको मल्टीटास्किंग के अंदर जाना पड़ता है, और एमटीएस के फॉर्म भरने पड़ते हैं अगर आप कक्षा 12वीं में हैं। तो बच्चों ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो एसएससी लेती है, फिर एसएससी उनको शॉर्टलिस्ट करके भेजती है। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं बच्चों को। तो एसएससी का काम ओनली जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट करने के बाद उन डिपार्टमेंट्स को भेजना है। सो ये मैंने आपको एसएससी के एग्जाम्स बताए हैं जो कक्षा 12वीं के बाद होते हैं। यूजली 4 एग्जाम्स होते हैं कक्षा 12वीं के बाद एसएससी के लिए। वैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद सीजीएल होता है, सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, तो वो एक अलग है, लेकिन ये कक्षा 12वीं तक है। मैंने आपको एज भी बता दिया है, और आपको इनकी एलिजिबिलिटी बताइए कि आप कैसे इन एग्जाम्स को दे सकते हैं, कौन दे सकता है इनके अंदर। एज जो है वो रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज डिफरेंट होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। थर्ड है इंडियन स्टेट पुलिस। देखिए हर स्टेट में पुलिस की वैकेंसीज निकलती हैं, कुछ सेंटर की भी पुलिस होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पुडुचेरी पुलिस, अंडमान निकोबार पुलिस। तो वो सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट होती है। ऐसे जम्मू कश्मीर में जब आगे पुलिस की भर्ती होगी तो वो सेंटर के थ्रू रिक्रूट होगी, बिकॉज जितनी भी यूनियन टेरिटरीज में जो भर्ती होती है वो सेंटर गवर्नमेंट करती है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस। तो इन सभी पुलिस की जो है वो भर्तियां निकलती है। और मैं इसमें कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा आपको, सब इंस्पेक्टर के बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने आपको एसएससी के बारे में बताया कि एसएससी के अंदर जीडी होता है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होता है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाता है, ऐसे ही कांस्टेबल भर्ती किए जाते हैं हर स्टेट द्वारा अपनी पुलिस डिपार्टमेंट में। सो जो बेसिकली सेंटर के बताऊंगा, सेंटर के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सो ये बेसिकली अगर इनके अंदर आपको कांस्टेबल की भर्ती जब निकलती है, अमूमन हर साल निकलती है, सेंटर हर साल निकालता है, तो आप ये फॉर्म भरिए और आप कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ जगह 18 साल से 25 साल है, और कुछ जगह दिल्ली पुलिस में 18 साल से 27 साल तक है। और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। मान लिया आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, तो और कक्षा 12वीं आप पास आउट होने चाहिए, इसके अंदर आप अपेयरिंग नहीं होने चाहिए, क्लास 12th आप पास आउट होने चाहिए, तब आप इन फॉर्म्स को भर सकते हो और पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। सो पुलिस की नौकरी में एक तो आपका रिटन एग्जाम होता है, दूसरा आपका फिजिकल एग्जाम भी होता है। जब आप दोनों एग्जाम क्लियर कर देते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजता है। तो यह कक्षा 12वीं के बाद मैंने आपको पुलिस विभाग में या पुलिस महकमे में जो नौकरियां निकलती हैं उनके बारे में बताया है। देखिए मैंने आपको गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर क्लास 12th में एनडीए, एसएससी और इंडियन पुलिस जो डिफरेंट स्टेट्स की होती है और यूनियन टेरिटरी की होती है उनके बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको रेलवे के रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। रेलवे की रिक्रूटमेंट करता है आरआरबी, इसकी फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देखिए हर जोनल में अपना एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उनके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट की जाती है। इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स हैं और उन्हीं जोन्स के अंडर आता है उनका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से जोन हैं। तो सेंट्रल जोन का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ईस्ट जोन का है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ, साउथ वेस्टर्न एक्सेट्रा। सो इसमें बहुत सारे हमारे इंडिया में रेलवे जोन है और उनके अंडर आता है आरआरबी। लेकिन ऑल ओवर जो इंडिया में है वो एक बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसी के थ्रू ही अलग अलग जोन की रिक्रूटमेंट होती है। इंडिया में आरआरबी बेसिकली तीन जो है या चार जो है वो पोजीशंस निकालता है। मैं अब आपको उन तीन या चार पोजीशंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं रेलवे पुलिस, और या फिर बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो जो आरपीएफ की जो भर्ती होती है उसमें दो टाइप की भर्ती होती है, एक होती है कांस्टेबल, एक होती है सब इंस्पेक्टर। सो जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है
वो होती है एट ग्रेजुएशन लेवल की, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कांस्टेबल की भर्ती जो है वो 12वीं लेवल पे होती है कि आपको 12वीं पास आउट होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 12th, मिनिमम एज है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज है 27 इयर्स। सो आप कक्षा 12वीं के बाद अगर आपकी ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है और भारत के नागरिक होना या नेपाल के या भूटान के, इन देश के नागरिक होना आपका जरूरी है। तो आप अगर इन देश के नागरिक हैं, 18 साल के हैं से ज्यादा हैं, और आपने अगर 12वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करता है RRB ग्रुप डी बोलते हैं। ग्रुप डी एक्चुअली क्या होता है, जो सबसे निचले तबके के होते हैं, जैसे सर्विसमैन, ट्रैक सर्विसमैन, उसके बाद पोस्ट लेवल 1, सिग्नलमैन, असिस्टेंट सिग्नलमैन लेवल 1। सो बच्चे, और मैं पोस्ट बता देता हूँ RRB के अंदर जो पोस्ट आती हैं, हेल्पर, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4, पॉइंट्समैन लेवल 1 पोस्ट। तो ये सारे जो हैं वो आपके पोस्ट निकलती हैं। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम 33 इयर्स है। 33 इयर्स में आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, हर कैटेगरी की अलग होती है, तो मैक्सिमम एज है 33 इयर्स। और आप इसमें 10वीं जो है वो पास होना जरूरी है, तो 12वीं होते तो और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो है वो 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन आजकल 12वीं तो हर कोई करता है, तो 12वीं के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 90 मिनट का एक तरीके से टाइम स्लॉट है और 100 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर है। इसमें भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे आता है GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके आपको पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके अंदर एक होता है रिटन एग्जाम, फिर होता है फिजिकल, और फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट मतलब एक तरीके से भाग दौड़ जो होता है वो फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। RPF में भी, जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है RPF, उसमें भी, या फिर रेलवे जो आपकी पुलिस फोर्स है उसके अंदर भी आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल तो हर एक फोर्स में होता है, लेकिन कुछ फोर्स में कभी फिजिकल टेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता है। थर्ड है इसमें RRB NTPC। देखिए RRB जो NTPC होता है, NTPC बोलते हैं नॉन टेक्निकल एक तरीके से। इसके अंदर जो आपकी पोस्ट निकलती है वो होती है कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर टाइम कीपर। तो ये आपकी जो है वो NTPC के थ्रू भर्ती निकलती है। इसके अंदर भी आप जो है वो मिनिमम जो है क्लास 12th, और कुछ पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। इसके अंदर भी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है, और आप भारत के नागरिक होना जरूरी है, या फिर नेपाल के या भूटान के, इनमें से एक के आपको नागरिक होना जरूरी है। तो ये आपको जो तीन जो आपकी पोजिशंस हैं या तीन टाइप की जो वैकेंसीज हैं वो RRB निकालता है। तो अगर आपको RRB की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर और इंक्वायरी जान सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं, और किसी चीज के बारे में इंक्वायरी चाहिए व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दे रखा है इसके ऊपर पिन कर सकते हैं। अब मैं जो डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए एक तो होता है NDA जो UPSC कंडक्ट कराती है, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मैं उन डिफेंस के एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो इंडिविजुअली जो फोर्सेज जो है जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। तो हम स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स से। एयरफोर्स कराती है कक्षा 12वीं के बाद FCAT की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम जो है वो 24 इयर्स है। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है बाय DGCA तो आपकी 26 साल जो है वो एज रिलैक्सेशन है, 26 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, आप जो मैरिड नहीं होने चाहिए इस एग्जाम को देते टाइम या सिलेक्शन होते टाइम। फिर आपका जो जेंडर है वो मेन एंड वुमेन दोनों दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि आपके कक्षा 12वीं में मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके 60% मार्क होने चाहिए मिनिमम। तो ये आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या फिर आप इसके अंदर FCAT एग्जाम क्रैक करके जो है वो आप पायलट बनते हैं। आप देखिए NDA में क्रैक करने के बाद जब आप एयरफोर्स चूज करते हैं तब कुछ लोग पायलट के उसमें भी जाते हैं, कुछ लोग नॉन पायलट स्ट्रीम में भी जाते हैं, लेकिन FCAT अगर आप क्रैक करते हो तो आप पायलट की जो है वो फील्ड में जाते हैं और आप फाइटर पायलट बनते हैं। CDS के थ्रू, NDA के थ्रू और FCAT तीनों के थ्रू जो है, और NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू भी आप जो है वो पायलट बन सकते हैं एयरफोर्स के अंदर। सो लेकिन FCAT जो होता है वो प्रोमिनेंट एग्जाम होता है, सबसे मेन होता है, फिर NDA होता है, सबसे लास्ट में CDS होता है जिसे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सो एयरफोर्स मैंने आपको अभी FCAT के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 12वीं के बाद, क्लास 12th के बाद आप एयरफोर्स में और कैसे एंटर कर सकते हैं,
देखिए एक तरीका है जो आप एफकैट दे सकते हैं, दूसरा तरीका जो है वो निकलता है एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। तो इसको बोलते हैं एयरफोर्स एयरमैन एक्स एंड वाई ग्रुप। जो ग्रुप एक्स है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है और ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल के लिए होता है। तो ग्रुप एक्स जो होता है वो रडार, फ्लाइट मेंटेनेंस एंड सर्विलेंस, सो इसके लिए होता है। ग्रुप वाई जो होता है वो होता है अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीटीआई, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ग्रुप एक्स के लिए जो टेक्निकल है उसके लिए होता है कि आप इंटरमीडिएट पास आउट, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए विद फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो यू हैव टू पास आउट फ्रॉम क्लास 12 विद मैथ, इंग्लिश एंड फिजिक्स। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इस पेपर को देने के लिए। जब आप ग्रुप एक्स या वाई ज्वाइन कर लेंगे तो स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड मिलता है 14,600 रुपए पर मंथ। और अगर आप जब अपनी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं आपको जो बेसिक पे मिलता है वो मिलता है 33,000 रुपीज प्लस डीए ग्रुप एक्स के लिए, और ग्रुप वाई के लिए जो नॉन टेक्निकल है वो मिलता है 26,900 पर मंथ प्लस डीए। तो ये बेसिकली मैंने आपको एयरफोर्स के अंदर ग्रुप एक्स एंड वाई, एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई के बारे में बता दिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप कौन से टाइप की जॉब आपको मिलती है इसके अंदर। ग्रुप एक्स के अंदर जो है वो बेसिकली 60 मिनट्स का पेपर होता है और इसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स आती है, और ग्रुप वाई के अंदर जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आती है। सो ये आपको मैंने बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फॉर ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई। देन इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी में जिसे कहते हैं ओपन भर्ती निकलती है, खुली भर्तियां निकलती हैं हर शहर में। कोविड से पहले तो हर शहर में वो जो हर रेजिमेंट एक ओपन भर्ती निकालती है, उसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि सबसे पहले आपको दौड़ क्लियर होनी चाहिए, आपके जो है वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुशअप्स, पुलअप्स वो आपको आनी चाहिए। तो आपका फिजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा मेन होता है कक्षा 12वीं के बाद, और उसके बाद एक सिंपल सा टेस्ट होता है, वो क्लियर करने के बाद आप जो है वो आर्मी में या तो नायक या लेंस नायक की पोजीशन में लग सकते हैं। तो वो बहुत सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है, उससे जो ऊपर पोजीशन में लगते हैं वो जो एनडीए सीडीएस क्लियर करते हैं और फिर उनको प्रमोट होते के बाद वो हायर पोजीशन में जाते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। तो मैंने आपको इंडियन आर्मी की बता दी है कि आप कैसे इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, या तो एनडीए क्रैक करके जा सकते हैं या फिर जो ओपन भर्तियां निकलती हैं आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादातर कक्षा 12वीं की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप क्रैक करके आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, जैसे TES है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, फिर उसके बाद आपका BRO के एग्जाम होते हैं, फिर इंडियन मिलिट्री सर्विसेज MES के एग्जाम होते हैं, वो तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कक्षा 12वीं के स्पेशली बता रहा हूँ कि आप कैसे एग्जाम क्रैक करके और आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। थर्ड, इंडियन नेवी। देखिए इंडियन नेवी के अंदर जो है वो एक एग्जाम होता है इंडियन नेवी SSR, जो SSR की फुल फॉर्म होती है वो होती है शॉर्ट सर्विस रिक्रूटमेंट। तो SSR एक तरीके से, बिकॉज़ इसमें शॉर्ट सर्विस होती है, इसमें 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, इसमें अलग टाइप की शॉर्ट सर्विस होती है, और आप जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12th में जो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होने चाहिए, और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, और इसमें जो आपकी एज है वो 17 से लेके और 20 ईयर्स जो है वो आपकी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो इंडियन नेवी SSR। देखिए अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर क्लास 12 में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे एंट्री पा सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप तीन तरीके से एंट्री पा सकते हैं। फर्स्ट है आपका कि आप जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी के जा सकते हैं। सेकंड जो है वो आपका है इंडियन कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी पायलट एंड नेविगेटर, और थर्ड ये है इंडियन कोस्ट गार्ड पायलट बट शॉर्ट सर्विस कमीशन की, 8 साल के लिए मिनिमम होती है, इसके अंदर 14 साल तक मैक्सिमम आप सर्व कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी जो होती है उसके अंदर आप कैसे कक्षा 12वीं के बाद एंटर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके तीन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट होता है रिटन एग्जाम, सेकंड होता है फिजिकल टेस्ट और तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट। जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें जनरली आपका GK लॉजिकल रीजनिंग, आपका साइंस एंड योर मैथ्स एंड इंग्लिश पूछी जाती है। देन आप जब ये क्रैक कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका 1.6 किलोमीटर भागना पड़ता है 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स मारने पड़ते हैं और 10 पुशअप करने पड़ते हैं। तो ये आपका एक जनरल फिजिकल टेस्ट होता है, और उसके बाद जो है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर सिलेक्शन होता है। तो ये मैंने आपको बताया कक्षा 12वीं के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी। अब सेकंड जो है
वो है आपका जनरल ड्यूटी पायलट या नेविगेटर। सो अगर आपको कक्षा 12वीं के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना है तो बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट आपका जो है वो कक्षा 12वीं में आपका मैथ साइंस एक तरीके से उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड देन आपकी जो एज है वो 19 से 25 के इयर्स के बीच में होनी चाहिए और 5 साल जो है वो एससी एसटी के बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है, 3 साल ओबीसी के बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है। आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 162 होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट 197 होनी चाहिए। अब जो है वो तीसरे टाइप की है, तीसरा जो टाइप है वो आता है इसके अंदर शॉर्ट सर्विस। इसमें पायलट जो होता है वो शॉर्ट सर्विस होता है, 8 साल मिनिमम एज होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 14 साल होती है। इसके अंदर आपके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होनी चाहिए, डीजीसीए के थ्रू अप्रूव्ड जो है वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस, और आपकी जो एज है वो 19 से लेके 25 इयर्स के बीच में होनी चाहिए और 5 साल एससी एसटी के बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है और 3 साल ओबीसी के बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 19 से 25। तो ये तीन तरीके से मेनली आप एंटर कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। सो बच्चों मैंने आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता दिया है, आप और अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट easylearningindia.com को विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर क्लास 12 के बारे में। ये आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स बताएं आफ्टर क्लास 12, जैसे एनडीए का, एसएससी, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं, आर्मी के, और हमारे इंडिया में जो स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस एक्सेट्रा। सो आप हमारे साथ इजी लर्निंग इंडिया के साथ इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ तैयारी करने के आपके 3 फायदे हैं। एक तो आप एक ही फीस में चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, आप हमारे साथ अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ मूड बदल जाता है तो आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 12 के बाद, उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में जो आपको एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी करवा रहा है, उनके साथ दिक्कत ये है कि आप कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे साथ डिफरेंट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो आफ्टर क्लास 12 जो होते हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड जो फायदा है वो आप हमारे साथ आपको करियर गाइडेंस मिलेगी, और इंस्टीट्यूट जो है वहां पर आपको करियर गाइडेंस नहीं मिलती, बिकॉज वो आपको सिंगल डायमेंशनली सोचना सिखाते हैं कि ओनली गवर्नमेंट एग्जाम्स कैसे निकालने हैं। हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स तो बताएंगे ही, साथ में आपको डिफरेंट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स और बाद में कौन से करियर्स होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, कौन से कॉलेज बेस्ट होते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम में मान लो अगर सीट्स कम हो जाती हैं तो आप किस कॉलेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री को, आगे कहां जा सकते हो आप, बिकॉज 3-3 साल तक वैकेंसी नहीं निकलती। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है आप कीजिए, लेकिन साथ में आपको हम कॉलेज एडमिशन है, कॉलेज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, इसमें भी हेल्प करेंगे। सो आप हमारे साथ अगर तैयारी करते हैं तो आपको इतना फायदा होगा, आप अगर क्लास 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, जस्ट 12वीं पासिंग आउट है, तो आप इजी लर्निंग इंडिया के साथ गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो कर ही सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कक्षा 12वीं के बाद होता है, या फिर आप उसी फीस के अंदर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। ये सब कुछ मन और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बुक्स, ई बुक्स, ऑनलाइन इंटरएक्टिव क्लासेस, पॉडकास्ट, वीडियोस, रिविजन क्लासेस, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग, करियर गाइडेंस, कॉलेज गाइडेंस एंड कॉलेज काउंसलिंग, ये आपको सभी एक ही छत के नीचे मिलेगा, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। आपको फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप में भी हेल्प की जाएगी अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं, 11वीं में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारे साथ। आप हमारी वेबसाइट इजी लर्निंग इंडिया विजिट कर सकते हैं और वहां से जो कोर्स आपको अच्छा लगता है वो आप खरीद सकते हैं, या फिर दिए गए नीचे नंबर पे 8700807050 व्हाट्सएप कर सकते हैं और जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो जितने भी 11वीं, 12वीं या जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम 12वीं या फर्स्ट ईयर में है। कमेंट डाउन कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम, करियर, प्लीज कमेंट डाउन लो एंड हिट दी बेल आइकन। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए बिकॉज जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो इसी चैनल पे मिलेगी, करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। प्लीज हिट दी बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।